आदिवासी परिवार के घर में घुसकर की मारपीट, कुटी के 66,500 रुपए भी ले गए। जिले के दादूखेड़ी गांव में दबंगों ने एक आदिवासी के घर घुसकर मारपीट कर दी। कुटीर के 66,500 रुपए भी लेकर घर चले गए, जिसकी शिकायत आज एसपी ऑफिस में दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार बलराम आदिवासी निवासी ग्राम दादूखेड़ी शिवपुरी ने बताया कि 5 सितंबर को शाम 8 बजे गांव के रहने वाले हरद्वारी भरत यादव, शीलू यादव, प्रद्युम्न यादव, मोनू यादव ने घर आकर मेरे और परिवार के साथ मारपीट कर दी और मेरे पिताजी लालजी आदिवासी से 66,500 रुपए जो कि कुटीर के आए थे वह छीन कर ले गए। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। नाली को लेकर हुआ था विवाद। लालजी आदिवासी ने बताया कि सरपंच शीलू यादव द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर मेरे बेटे ने नाली आगे से ले जाने को कहा, इसी पर विवाद हुआ। इसी के चलते मारपीट की गई है। थाने पर शिकायत करने भी नहीं जाने दिया। रास्ते में लोग खड़े थे, इस डर के कारण हम थाने पर शिकायत करने नहीं गए। आज एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। क्या नाम है आपका? लालजी। कौन सा माजो? हरसरिया। कहाँ के निवासी हो? दादूखेड़ी के। कौन सा थाना लगता है? इंदार। क्या समस्या लेके आया पुलिस पीछे कार्यालय? जो मोड़ा है मारो। कौन ने मारा है? खतेंद्र ठाकुर ने मारो। किस लिए मारा है? भरत द्वारी भरत। किस लिए मारा है? नाली फोर मारा साहब, जब जाना नाली की नाई करी के जहाँ मत करो ऊपर खड़ो। नाली कौन बनवा रहा था? सरपंच बनवा रहा था। फिर क्या हुआ? सरपंच कर अब झंझुक में ओड़ी कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ब्याज से बंद जा खींच के घर में रात में मारो। मैं टपैया हूँ घुस गया तब तरपाल में, और जब मोड़ा मारो और मुँह फिर मुँह आए आधी रात है तो मुँह मुँह मी मार पीट कर थप्पड़ दें गुम्मी दें भाई पैसे बग बाम कर दे पीपा मेरी टोर के तार वाल ले गए। तो आने नहीं गए यहाँ पर? नहीं, जहाँ के ऐसा गहरे में लग रहा है आदमी मारा। पैसे कौन ले गए? भेज लेगा यार द्वारी। कितने? 66,000 कुटी के पैसा आते हैं, मेरी कुटी आई थी देखे रुपया ले गए। तो आपको कुटी कैसे बनेगी? कैसे बने? और 8,000 8,500 सरपंच ने खाते में डाल लें 66,000 मुफा है। क्या नाम है सरपंच का? शीलू। कौन सा माज है? यादव। यादव यादव हाँ। थाने में गए थे? नहीं गए महाराज, हम क्या था गेल में आदमी लगा था। अच्छा। यहाँ जहाँ से मारो ले निकले। क्या नाम है आपके बेटे का? बलराम।